वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 7, ठीक है। तो यहाँ इसका किसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 7 का। फिर सेम इसी प्रकार से तीन नंबर में एक्स गुणा में माइनस का 8 बराबर में कितना है, माइनस का 56। तो एक्स की वैल्यू याद कीजिए, माइनस का 56 अपॉन में कितना आएगा, माइनस का 8। माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, यानी इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास 7। अब इसी प्रकार से लास्ट वाले का आंसर आपको निकालना है। तो लास्ट वाले का आंसर कैसे निकालिएगा, एक्स के गुणा में कितना है माइनस 12, ठीक है, इक्वल में कितना है 132, ठीक है। एक्स की वैल्यू याद करोगे तो 132 बटा में कितना आएगा, माइनस में 12, डिवाइड करके देख लेना आपके पास 11 आएगा, और वही आपका क्या है यहाँ आंसर है, माइनस का कितना आ जाएगा 11। तो वो आपको याद रखना है, ये आपका आंसर है। इस प्रकार से अपने कोई को कथन को सत्य बनाने के लिए मैंने जो वैल्यू फाइंड की है वो इस साइड में आप देख सकते हो, इस प्रकार से मैंने वैल्यू याद की है, ठीक है। तो ये थी हमारी 1.3 एक्सरसाइज, जब हम बात करेंगे 1.4 एक्सरसाइज की, ठीक है। और 1.4 एक्सरसाइज के बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, उसके बाद में हम सेकंड एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसका हम एक करेंगे, ठीक है, एक आप करोगे, तो इसका मैं पहले ए पार्ट देख रहा हूँ, ए
काट देते हैं। ये हमारी कौन सी साइड है बच्चों, पहले साइड, और ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम पहले साइड की वैल्यू निकालेंगे, क्या देखते हैं, ए में डिवाइड करना है बी प्लस सी का। सबसे पहले हम यहाँ संख्या लिखेंगे 12, यहाँ कितना है माइनस का 4 और प्लस में 2, तो 12 डिवाइड माइनस 4 प्लस 2 करेंगे तो माइनस का 2 ही आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 ओपन में माइनस का 2, या ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 12 ओपन में 2, या माइनस का कितना आएगा 6। एलएच साइड की वैल्यू हमारे पास माइनस का 6 आ चुकी है। इसी प्रकार से हम देखेंगे इसकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में ए में बी का डिवाइड, दोनों का प्लस, ए में सी का डिवाइड, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे ए जो है 12 में पहले हम डिवाइड करेंगे 4 का, माइनस 4 का, उसके बाद में प्लस करना है, 12 में डिवाइड करना है 2 का, ठीक है। तो 12 में माइनस 4 का डिवाइड करो तो माइनस का कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, प्लस में 12 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 6 मिलेगा। इन दोनों को हमें माइनस का एक 3 है, प्लस का 6 है, तो हमें आंसर इसका कितना मिलेगा बच्चों, 3। इसका हमें आंसर क्या मिला था, माइनस का 6 और इसका मिला था 3। इसका मतलब जो एल एस साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, यानी आर एस साइड और एल एस साइड दोनों इक्वल नहीं है। अच्छे से मैंने क्या किया, सबसे पहले एल एस साइड ली बच्चों, एल एच साइड के बाद मैंने क्या किया, जो जो मेरे को वैल्यू चाहिए थी मैंने इसमें वैल्यू पुट की और साथ के साथ मैंने डिवाइड कर डाला, ठीक है। उसके बाद में आर एस साइड देखी, मैंने आर एस साइड के अंदर जो जो हमें चाहिए था उसमें मैंने वैल्यू पुट की, उसके बाद डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया। राइट हैंड साइड की वैल्यू 3 आ रही है और इसकी आ रही है माइनस का 6, इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों की दोनों साइड बराबर नहीं है। सो नोट कीजिए, फिर आप इसका जो बी पार्ट है बच्चों आप खुद करिएगा जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो। प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे, अभी से नोट कीजिए।
माइनस में 206